उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। पास फेल होना तो वक्त की बात है, पास फेल होना तो वक्त की बात है। अगर मेहनत आपके पास है तो हर संघर्ष में विजय आपके साथ है। साथियों, आप देख रहे हो वाइजो माउंटेन इस समय नैनाणा ब्लॉक में है और नैनाणा स्कूल में इंटर कॉलेज में है। और यहाँ पे जिसके आपको ज्ञात ही है कि कल 10th और 12th का जो रिजल्ट निकला उसमें क्या क्या परिणाम रहे स्कूलों के, उन कॉलेजों के, उसके लिए वाइजो माउंटेन हर एक स्कूल में वहाँ पे उन बच्चों से, उन टीचरों से वहाँ पे वार्तालाप कर रहा है। तो देखते हैं आज इंटर कॉलेज नैनाणा में क्या बच्चों का क्या रिजल्ट रहा और यहाँ पे कौन टॉपर रहा। तो ले चलता हूँ आपको मैं नैनाणा स्कूल के बच्चों के साथ। वाइजो माउंटेन पहुँचा है राजकीय इंटर कॉलेज चमाड़ा में और यहाँ पे मैं बच्चों के साथ, आप देख रहे होंगे जैसे कल का आपने देखा होगा रिजल्ट आया है जिसमें यहाँ पे नैनाणा ब्लॉक में यहाँ पे 97% तक के मार्क्स पहुँचे हुए हैं बच्चों के। तो इस तरह का एक रुझान जो दिखने को मिला वो बहुत ही सुंदर रुझान रहा यहाँ का। तो बात करेंगे यहाँ पे इंटर कॉलेज चमाड़ा में क्या यहाँ पे बच्चों द्वारा, जो अभी यहाँ पे मेरे साथ कुछ बच्चे अभी पहुँचे हुए हैं स्कूल में, उनसे बात करते हैं। 10th क्लास के बच्चे हैं, थोड़ा पास आ जाइए आप। तो पहले आपसे शुरुआत करते हैं, बच्चे आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है। अच्छा। मैं हाई स्कूल की परीक्षा दी है अभी। अच्छा, स्कूल का नाम क्या है आपका? गवर्नमेंट इंटर कॉलेज चमाड़ा। चमाड़ा। तो आपका अभी जो 10th क्लास का जो आपने एग्जाम दिया इसमें क्या परसेंटेज रही है आपकी? सर, मेरी हाई स्कूल की परीक्षा में मेरे 85% रही है। अच्छा। 425 नंबर्स। वेरी गुड। गुड़िया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नेहा विष्ट है। Okay. और मैंने 12वीं की परीक्षाएं दी हैं। अच्छा। हमारे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज चमाड़ा है। जी। कितना परसेंट आपका रहा है समय रिजल्ट? 76.6। वेरी गुड, वेरी गुड। गुड़िया, आपका नाम? मेरा नाम दीपिका रावत है और मैंने कक्षा 10 की परीक्षाएं दी हैं और मेरे स्कूल का नाम राजकीय इंटर कॉलेज चमाड़ा है। ठीक। क्या परसेंटेज रहा आपका? 80%। तो आप जिस प्रकार देख रहे हो कि चमाड़ा जो इंटर कॉलेज है यहाँ पे 80% जो बच्चे मेरे साथ जो बात कर रहे हैं अभी, इनसे बात करते हैं, इसका श्रेय वो किसको देना चाहते हैं? सर, पहले मैं, आपका नाम क्या बताया आपने? सर, राहुल। राहुल, राहुल, जो आपका परसेंटेज रहा और जिस हिसाब से आपने जो एग्ज़ाम क्लियर किया, इसमें आप कौन से जो टीचर हैं, माता पिता है, किसको आप ज़्यादा वैल्यू देना चाहोगे? सर, ज़्यादा वैल्यू की तो बात नहीं, पर सबका तो सपोर्ट रहा है। जी। सब ने किया है, इक्वल सबका है, पर टीचर ने भी हेल्प की है, पेरेंट्स ने भी की है, तो इसलिए सबके लिए जाता है सर। अच्छा, जैसे कि राहुल, होता क्या है कि जब परीक्षा हो जाती है, रिजल्ट आता है, कोई असफल भी हो जाता है, कोई सफल हो जाता है, किसी परसेंटेज कम हो जाती है, तो उन बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर, मैसेज तो ये देना चाहेंगे कि और ज़्यादा प्रयास करें और अच्छे से अच्छे परसेंट आने की कोशिश करें। ठीक है, वेरी गुड। और वाइजो माउंटेन आपको भी बहुत बहुत बधाई देता है और उज्जवल भविष्य की कामना करता है आपके। राहुल, बात करते हैं गुड़िया से, नाम क्या बताया अपना? नेहा। नेहा, आपका परसेंट आपने 76.5 है, 6। चलो ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको पहले। तो जैसे कि अब हम देखते हैं अमूमन की क्या होता है कि कुछ बच्चे गलत स्टेप ले लेते हैं कि भाई परसेंटेज मेरा कम आया है, भले अच्छा परसेंटेज रहता है, मेहनत अच्छी की होती है उनकी, कोई असफल होता है, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे आप क्षेत्र में? परसेंटेज जितने भी आए काबिल होने चाहिए बच्चे के अंदर। परसेंटेज तो कोई नकल करके भी ले आता है, पर जिसके अंदर काबिल हो जैसे आगे जाए तो उसमें भी सफल हो पाएगा, जो मतलब अपने मेहनत से लाएगा। बिल्कुल, मेहनत सबसे बड़ी चीज़ है, मेहनत करते रहो, सफल असफल की बात हो तो बात की बात है, जब मेहनत करोगे तो सफल भी असफल होते भी हैं, है ना। अच्छा, अब नाम क्या बताया आपने? दीपिका। दीपिका, आपका 80%। क्या लगता है आपको, कहीं दुख तो नहीं हो रहा कि मेरे 90% हो और 80% कम आ गए हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है मन में? ऐसा तो होता ही है। होता है कम। अच्छा, माता पिता प्रेशर तो नहीं दे रहे कि तेरे 80% ही क्यों आए, 90% क्यों नहीं आए? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, नहीं होता है ना। देखा जाता है ना, हमें ये देखा जाता है कि कहीं अभिभावक ज़्यादा जोर देते हैं बच्चों के ऊपर, तेरे तो 90% आना चाहिए या तेरे 60% आने चाहिए, तेरे 50% क्यों आई है, ये अमूमन देखते हैं हम घरों में। तो इन माता पिताओं के लिए, इन अभिभावकों के लिए कुछ कहना चाहोगे आप, अगर इस तरह कोई बच्चे का अगर कम रिजल्ट आता है तो मेहनत करो, मतलब मेहनत। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। देखो, कम और ज़्यादा का ऐसा मतलब नहीं होता, बच्चा काबिल किस हिसाब से, किस कौन से, हल्ले अपने अपने सब्जेक्ट होते हैं, चुने होते हैं, उसमें अच्छे परसेंटेज भी ले आता है, तो इस तरह का दबाव नहीं डालना चाहिए। और मैं वाइजो माउंटेन के माध्यम से उन सभी क्षेत्र में जो 10th और 12th की जो उन्होंने परीक्षा क्लियर की है, उनको वाइजो माउंटेन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बात करते हैं यहाँ के प्रिंसिपल सर से भी, उनका यहाँ का रिजल्ट कितने परसेंट यहाँ पे रहा चमाड़ा में, और जिस प्रकार से नैनाणा ब्लॉक का रिजल्ट दिखने को मिल रहा है, प्लस पॉइंट में दिखने को मिल रहा है, तो चलिए आप गुरुजी के पास। मेरे साथ है
चमाड़ा इंटर कॉलेज के विपिन नोटियाल जी जो प्रिंसिपल है यहाँ पे, उनसे बात करते हैं और जो परीक्षा का जो परिणाम दिखने को मिल रहा था उनसे बात करने से पहले तो स्वागत है आपका वैजो माउंटेन पे विपिन जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि हम देखते हैं क्षेत्र में रिजल्ट 99 ब्लॉक का अच्छा इस समय आया हुआ है और बच्चे काफी उत्साहित भी हैं, तो आपके चमाड़ा इंटर कॉलेज का रिजल्ट कैसा रहा? हमारे यहाँ सर्वप्रथम तो इस बार फर्स्ट टाइम सेंटर भी था और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे यहाँ के बच्चों ने 100% रिजल्ट दिया। इस चीज़ का श्रेय मैं बच्चों को तथा अपने स्टाफ को देता हूँ कि जिन्होंने एक्स्ट्रा क्लास चला करके बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है और उसका परिणाम हमारे सामने है। हमारे यहाँ 80% बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं और 20% बच्चे सेकेंड डिवीज़न से, थर्ड डिवीज़न किसी की भी नहीं है, हाई स्कूल और इंटर। इंटर में ये नेहा विस्ट जिन्होंने स्कूल में टॉप किया है इंटर क्लास में, उनके 76.66। असुविधाओं के बीच में भी इन्होंने कर दिखाया कि हम कुछ कर सकते हैं और अगर लगन कुछ अच्छा करने की हो, ठान ली हो, तो उसमें कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती है। इन्होंने करके दिखाया, आज फर्स्ट टाइम इंटर कॉलेज का रिजल्ट 100% रहा है, उसके लिए पूरा श्रेय बच्चों को और टीचर्स को देता हूँ। इसी प्रकार हाई स्कूल में भी, हाई स्कूल का रिजल्ट भी हमारा 100% रहा, जिसमें से कि 80% बच्चों ने फर्स्ट डिवीज़न से पास किया और 20% बच्चे सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न से कोई भी हमारे यहाँ पास नहीं हुआ है, जिसमें राहुल ने हाई स्कूल में टॉप किया, इनका परसेंटेज है 85%। विद्यालय में ऑल ओवर तो टॉप में यही राहुल रहा है और इसे विद्यालय परिवार की ओर से मैं सभी स्टाफ को और बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इनके अग्रिम भविष्य के लिए उज्जवल कामनाएं और मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। अच्छा विपिन जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे कि अमूमन हम देखा जाता है कि पहाड़ों में जब बच्चों की परसेंटेज कम होते हैं, अभिभावक काफ़ी दबाव डालते हैं बच्चों के ऊपर, तो यार 80% क्यों आया, 90% आना चाहिए या 60% क्यों आया, 80% आना चाहिए, तो इस तरह के अभिभावक को आप क्या कहना चाहोगे? यार आजकल जो बच्चे जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जब रिजल्ट देखते हों अच्छे परसेंटेज होने के बावजूद भी हम ये देखते हैं कि बच्चे काफ़ी मायूस रहते हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज? हाँ, उन सभी अभिभावकों के लिए मैसेज है कि सरकार की तरफ से भी इस क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य किया जा रहा है कि रिजल्ट से पहले ही बच्चों और अभिभावकों के बीच में एक समन्वय बिठाने के लिए, ये जो प्रेशर है उसे कम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था और समय समय पर कैरियर गाइडेंस, जो क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोग उन्हें बुला करके बच्चों का मार्गदर्शन किया गया। और रही बात परसेंटेज की, तो मेरा व्यक्तिगत इसमें अपना व्यूज है कि परसेंटेज मायने नहीं रखता है, क्योंकि अंक जरूरी नहीं है कि जिसके उच्चतम अंक हों वो आगे जीवन में सफल ही होगा। सफलता का मानक हम परसेंटेज को नहीं दे सकते हैं, हाँ वो हम अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते जाएंगे। तो इसीलिए मेरा सभी अभिभावकों से यह निवेदन है कि बच्चों पर अंक प्राप्ति के लिए कोई दबाव ना बनाएं, बल्कि उसके इतर योग्यता मेंटेन करने के लिए ज़्यादा प्रेशर करें बच्चों में, जिसमें हमारे पास कक्षा कक्ष का शिक्षण और मुख्य रूप से आज के समाज को देखते हुए मुख्य रूप से संस्कार भी बहुत जरूरी हो जाते हैं। इसलिए अंकों पर ध्यान न दे करके बच्चों की योग्यता पर विशेष ध्यान दें और निवेदन के साथ में मैं पेरेंट्स से अपेक्षा करता हूं कि वो अपने बच्चों पर अंकों का दबाव कदापि न बनाएं। धन्यवाद विपिन जी आपका, बहुत बड़ी बात आपने कह दी है कि परसेंटेज मायने नहीं रखती है उनकी इस सफलता में, उनके अगर लगन हो तो बच्चे आगे अपने भविष्य को चुन सकते हैं, अच्छे भविष्य बना सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पे JVS नेगी जी जो पूर्व प्रधानाचार्य भी हैं इन हाई स्कूल के, उनसे बात करते हैं यहाँ पे। सर पहले तो स्वागत है आपका वैजो माउंटेन पे, और आप स्कूल में पहुँचे और आज यहाँ पे आप बच्चों का जो उत्साह देख रहे हैं, आप जिस प्रकार से जो 99 ब्लॉक की जो स्थिति जो इसमें बनी हुई है, कल का रिजल्ट आने पर 12th और 10th का, उसके बारे में आपका क्या कहना है? धन्यवाद। आज जो कल परिणाम, परीक्षा परिणाम उत्तराखंड बोर्ड का जो है, जब पब्लिश हुआ, प्रकाशित हुआ, तो बड़ी खुशी हुई कि हमारे 99 विकास खंड का रिजल्ट जो है वो गुणात्मक दृष्टि से भी, क्वालिटी से भी और क्वांटिटी से भी बहुत अच्छा रहा। इसके लिए मैं समस्त क्षेत्र के गुरुजनों को, प्रधानाचार्यों को, गुरुजनों को और छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि विषम परिस्थितियाँ होते हुए भी यहाँ का रिजल्ट जो है बहुत 100% रहा। अब यहाँ पर यह हमारा विद्यालय, जो हमारा लोकल विद्यालय है, और जिस विद्यालय के लिए मैं शुरू से ही, जब से यहाँ प्राइमरी स्कूल से लेकर और इंटरमीडिएट तक मैं प्रयासरत रहा और हर मोड़ पर मुझे सफलता मिली और आज ये विद्यालय इंटर स्तर तक वैज्ञानिक वर्ग से जो है वो
राजकीय इंटर कॉलेज के रूप में जो है स्थापित हुआ है। तो इसमें मैं क्षेत्र के लोगों को, यहाँ के बच्चों को, सबको जो बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने मुझको सहयोग किया और मैं शासन प्रशासन और विभाग से इस संबंध में लगातार पत्राचार करता रहा और आज हमारे जो ये बहुत बहुत पिछड़ा क्षेत्र हमारा है, इस क्षेत्र में जो है एक शिक्षा का अलग जगाने में मैं सफल हो पाया। तो इसके लिए अब रही बात यहाँ पर कि कई विषम परिस्थितियों के बावजूद भी जो है यहाँ पर जो है वो हमारे बच्चे परिणाम दे रहे हैं, जबकि कई विषयों के अध्यापकों का यहाँ पर अभाव हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जैसे हमारा ये विद्यालय है, ये सीधे इंटरमीडिएट वैज्ञानिक वर्ग से इसको मान्यता मिली। मैं चाहता हूँ कि इस विद्यालय को जो है वो साहित्यिक वर्ग में भी जो है इसमें विषय को सृजित किया जाए, ताकि यहाँ पर छात्र संख्या बढ़े और वैज्ञानिक वर्ग में यहाँ पर हमारा जो है वो इंटर विज्ञान में जो है वो गणित विषय भी यहाँ पर क्या किया जाए, सृजित किया जाए। चूँकि आसपास के बच्चे जो हैं जो PCM ग्रुप में जाते हैं आगे जा करके, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये भी यहाँ पर सुविधाएँ विभाग से, सरकार से मिल जाए। राजकीय इंटर कॉलेज चमड़ा में आज प्रतिभा दिवस भी मनाया गया, क्योंकि आज के बाद स्कूल बंद हो जाएंगे और 12वीं के बच्चे यहाँ से विदा ले चुके हैं। तो आज यहाँ पर प्रतिभा दिवस सम्मान समारोह भी मनाया गया, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी संजीव नेगी ने। कमी हो गई है, लेकिन फिर भी जो है बेहतर है रिजल्ट। अभी आने वाले जो अगले हमारे जो अभी 12वें बच्चे या कक्षा 10 में है, उनसे हमारी कोशिश रहेगी कि वो जो और बेहतर परिणाम देंगे। फिर भी ओवरऑल में हमारा विद्यालय का परिणाम बहुत बेहतर रहा है, 100% रिजल्ट दोनों क्लास का। कक्षा 10 में 9 बच्चे थे, जिसमें की जो है 6 बच्चे प्रथम पास हुए हैं और 3 बच्चे सेकेंड डिविजन में। उसी प्रकार से कक्षा 12 में भी हमारे पास 9 बच्चे थे और उसमें 6 बच्चे प्रथम डिवीजन में पास हुए हैं, फर्स्ट डिवीजन में, और 3 बच्चे सेकंड डिवीजन में। कक्षा 12 का जो रिजल्ट था, सर्वप्रथम आप सभी को परिषद परीक्षा में 100% रिजल्ट प्राप्त होने पर विद्यालय परिवार की ओर से सभी बच्चों को, अभिभावकों को भूरी भूरी बधाई, बहुत बहुत बधाई के साथ सभी लोग। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शोर ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां याद आई कि पहाड़ की भौगोलिक परिस्थिति को देखकर साधनों के अभाव में भी यहां के बच्चे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं, क्योंकि प्रतिभा जो है वो किसी की मोहताज नहीं होती। अगर हमारे हाई स्कूल मोक्षण में भी रिजल्ट का, हाई स्कूल में भी बोर्ड की परीक्षा थी, 10वीं के बच्चे यहां से पास हुए हैं, इसका जायजा लिया यहां से हमारे सहयोगी संजीव नेगी ने। देखिए मोक्षण का रिजल्ट क्या रहा। वाइजो माउंटेन पहुंचा मोक्षणा में, जैसे आपने देखा वीडियो में, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है मोक्षणा। तो बात करते हैं यहाँ पे सुनीता पंवार जी है, जो इस समय इंचार्ज पे है यहाँ पे प्रिंसिपल पद पे, और आजकल आपको देख ही रहे होंगे लगातार कल का जो रिजल्ट था 10th और 12th का, उसमें क्या रहा मोक्षणा स्कूल का। तो मैडम पहले स्वागत आपका वाइजो माउंटेन पे, और क्या रहा मैम यहाँ का जो रिजल्ट है। सर रिजल्ट ठीक ही रहा, अच्छा रहा। अच्छा, कितना परसेंट यहाँ पे? हमारे यहाँ 11 बच्चे थे टोटल। जी जी। और 10 बच्चे पास हुए हैं। जी। जिसमें से 4 बच्चे जो है
प्रथम स्थान में है जी। और द्वितीय स्थान में 5 बच्चे हैं और एक बच्चा थर्ड में स्थान पे है। अच्छा। और 90% रिजल्ट रहा है। अच्छा, अभी फर्स्ट जो बच्चा है जो कितना परसेंट उनको? वो 74% जो है बालिका है, संगीता नाम है उसका जी। और काफी मतलब मेहनती लड़की है वो जी। और सांस्कृतिक प्रोग्राम में भी वो काफी अच्छा प्रदर्शन करती है, हर एक्टिविटी में वो भाग लेती है जी। तो मैडम, जैसे कि देखा जाता है कि कुछ बच्चे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, जब परसेंटेज कम आता है तो कुछ अगला डिसीजन ले लेते हैं, तो उनके लिए कोई आपकी तरफ से कोई मैसेज? सर, उनके लिए हमने अभी 2 दिन पहले ही जो है एक बैठक बुलाई थी, ठीक है, जिसको हमने अभिभावक से अनुरोध किया था, बच्चा को आगे मतलब प्रोत्साहित करते रहे, उसको बढ़ावा देते रहे, जो भी उसके मार्क्स है उसे कहें कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके और आगे वो बहुत अच्छा करेगा। तो उसके लिए हमारे यहाँ कार्यक्रम भी हुए हैं और मीटिंग भी बुलाई गई है। इसी से आपको कहने का मतलब ऐसे इनिशिएटिव ना लें, ऐसे डिसीजन ना ले जिससे कि नुकसान हो, नुकसान है ना? जी। और माँ बाप को भी, पेरेंट्स को भी कुछ कहना चाहोगे? जी, चलो ठीक है, धन्यवाद मैडम आपका। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा ए जावा।